दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज भी मैं एक अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। दोस्तों बिजनेस जो है सभी अच्छा ही होता है, बात है आप इसे कर पाएंगे या नहीं। जो बिजनेस नहीं कर पाएगा उसके लिए हर बिजनेस जो है वो बहुत टफ है, और जो बिजनेस से जुड़े हुए है उसके लिए कोई भी बिजनेस टफ नहीं है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है, तरह तरह का बिजनेस करने से एक ही टाइप का बिजनेस तरह तरह से करना बहुत आसान होता है और तरक्की उसमें ही होता है। आप अगर सोच रहे हैं कि आप कोई माने टूरिज्म का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन टूरिज्म का बिजनेस करते करते आप एक बस खरीद लिया या एक गाड़ी खरीद लिया तो वो बिजनेस उसके साथ जोड़ गया, ठीक है, तो इसे सब कुछ आसान हो जाता है और बिजनेस भी बहुत बढ़ जाता है। हर किसी बिजनेस का नियम ऐसा ही होता है, इसमें तरक्की होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज जो बिजनेस के बारे में हम जानकारियां हासिल करेंगे, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। मशीन परचेस करके भी कर सकते हैं, विदाउट मशीन आप ये काम कर सकते हैं। आप अगर डिशवाश मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप अगर हैंडवाश मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं माने, तो आप ये बिजनेस जो है उसके साथ जोड़ सकते हैं। डिशवाश के साथ अभी जो घर में इस्तेमाल होता है स्क्रबर, जो स्क्रबर पैड होता है ना, ये पैड माने एक महीना ज्यादा से ज्यादा चलता है, उसके बाद और एक नया पैड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पैड आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सबसे अच्छा होगा। आप अगर डिशवाश सेल करते हैं तो आप एक काम कीजिए, किसी मैन्युफैक्चरर से परचेस कर लीजिए, ठीक है, परचेस करके बस पैक करके आप मार्केट में सेल कीजिए। तो परचेसर आप होंगे और डीलर, जो डीलर के नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा, उनसे परचेस कर लीजिए, पैकेट बनाइए। अभी मार्केट में देखिएगा पैकेट बिकता है 3 पैक ₹10 में, ठीक है, तो इसमें मार्जिन आपको कितना मिलेगा, ₹10 में आप भी बेचेंगे, ठीक है। आप चाहे तो आप ₹8 में बेच सकते हैं, और आप एक काम कर सकते हैं अलग अलग पैकेट करके ₹5 करके भी बेच। और इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है, क्या लाइसेंस लगेगा, एग्जिस्टिंग अगर आपके पास कोई लाइसेंस है इसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, पूरा जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक देखना है, ठीक है। इसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आप अच्छा कमा सकते हैं। आप डिशवाश मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस बिजनेस से आप जोड़ सकते हैं। अगर ये बिजनेस पहले शुरू कर रहे हैं बाद में डिशवाश बना सकते हैं, ठीक है ना। रिलेटेड बिजनेस है, रिलेटेड बिजनेस में क्या होता है, मजा कुछ अलग होता है, इसमें तरक्की करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं दोस्तों, यही है स्क्रबिंग पैड मैन्युफैक्चरिंग मशीन। ये मैन्युफैक्चरिंग होके ये जैसे देखिए, ये एक एक करके जा रहा है पैकेजिंग करने के लिए, ठीक है। ये मशीन आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस कम से कम ₹3.5 लाख से शुरू होता है, लेकिन शुरू में इतना इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेकार में ये मशीन परचेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, ये मशीन लगाने के लिए भी जगह लगेगा, 440 लाइन लेना पड़ेगा इसके लिए, माने आपको लेबर चाहिए, लेबर का सैलरी है, बहुत झमेला का बात है, ठीक है ना। तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मार्केट से माने मैं जो डीलर का नंबर दूंगा उससे आप परचेस कर लीजिए, ठीक है। बस खुला देखिएगा मार्केट में बिकता है ₹10 में 3 पीस। तो आप डीलर से जब परचेस करेंगे ना तो आपको इस माने ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्राइस आएगा ₹1.5, ठीक है। बहुत ज़्यादा परचेस करेंगे तो उससे भी कम दाम में आ जाएगा, ठीक है। तो
शुरू में आपको क्या करना है, बस परचेस कर लीजिए। परचेस करके मैनुअल पैकिंग मशीन मिलता है मार्केट में, जो देखिएगा 700-800 रुपये से शुरू है, ठीक है ना। ये जो ऑटोमेटिक मशीन देख रहे हैं ना, ये बाद में आप सोचेंगे, मार्केट पहले बना लीजिए, ठीक है। पहले मैंने बेचना है माल। आप अगर डिशवाश मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो डिशवाश के साथ ये फ्री में दे सकते हैं, ठीक है ना। डिशवाश का जो बॉटल है उसके साथ ये फ्री दे सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने प्राइस जो पड़ेगा 1.5 रुपया, एक दो दे ही सकते हैं ना, तो दे दीजिए, ठीक है ना। पैक बना के एकदम जो डिश है, मैंने डिश का जो बॉटल है, डिशवाश का जो बॉटल है, उस बॉटल में एकदम पूरा सील करके आप मार्केट में छोड़ दीजिए। अगर देखिएगा कि बहुत अच्छा चल चल रहा है मार्केट में, तब जाके आप ऐसा मशीन, छोटा बड़ा बहुत तरह का मशीन मिलता है, ठीक है। ये दो तरह का होता है जो स्क्रबर है, एक तो स्टील स्क्रबर मिलता है, स्टील ऊल का, और एक देखिए जो जा रहा है स्क्रबर पैड, स्क्रॉच बाइट जैसा, ठीक है ना, मार्केट में ऐसा भी आपको मिल जाएगा। एक तो आता है स्पॉन्ज जैसा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलता है स्क्रबिंग पैड, वो देखिएगा ग्रीन कलर का होता है, मार्केट में 10 रुपया में 3 मिलता है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप परचेस कर लीजिए पहले बल्क में, उसके बाद तीन तीन पैक बना के आप दुकान में भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपको कॉस्टिंग आएगा 4.5 रुपया, या 4 रुपया में भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 रुपया उसमें रखना है, रख के दुकानदार को देना है, या 3 रुपया आप रख सकते हैं, रख के दुकानदार को 3 रुपया देना है, वो 10 रुपया में बेचेगा, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर डिशवाश मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके साथ दे सकते हैं। बाकी आप अगर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप 10 रुपया में इसको पैक करके मैंने दुकानदार को सप्लाई कर सकते हैं। और एक बात है, ये करते करते आप डिशवाश कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इस पर आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये रिलेटेड बिजनेस है। ये जहाँ पर ये बिकेगा वहाँ पर डिशवाश भी बिकेगा, और डिशवाश जहाँ पर बिकेगा वहाँ पर ये बिकेगा, ठीक है ना। ये सब रिलेटेड बिजनेस है, तो आपको रिलेटेड बिजनेस में ध्यान देना चाहिए। और लाइसेंस की बात अगर की जाए, अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग लाइसेंस से भी आप काम कर सकते हैं, और अगर शुरू कर रहे हैं आप, जस्ट स्टार्टिंग, तो आप MSME कर सकते हैं, उद्योग आधार, ऑनलाइन फ्री हो जाएगा। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाइएगा, वो कुछ पैसा ले सकते हैं, 500 रुपया, तो आपको ये मिल जाएगा। आप अगर ये मोबाइल से या कंप्यूटर से ये आप काम कर पाएंगे तो ये फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, करके आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, आप अगर इसका मार्केटिंग फिजिकली आप करेंगे तो इसमें आपको मार्जिन मिल सकता है 3 रुपया, लेकिन आप अगर किसी के मतलब किसी को देकर मार्केटिंग करवाना चाहते हैं तो इसके लिए मार्जिन आपको 2 रुपया रखना पड़ेगा, और उसको भी तो मार्जिन देना है, उसको 1 रुपया दे दीजिए, या 2 रुपया उसको दे दीजिए, और 4 रुपया, 3 रुपया, सॉरी 3 रुपया दुकानदार को दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। दुकान में देखिएगा बहुत सारा सेल्समैन आते हैं, उसके साथ जाके बात कर लीजिए, उसको अच्छा कमीशन मिलेगा तो वो करेगा ही, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, परचेस ठीक दाम से करना है। मैं कुछ नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने वो नंबर में कॉल करके आप परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारा डीलर है जहाँ पर आपको कम दाम में मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा डीलर, जो डीलर का नंबर मैं दूंगा वो आपको कम दाम में दे, लेकिन फिर भी आपके आसपास में अगर डीलर ऐसा मिल रहा है जहाँ से आप कम दाम में परचेस कर पाएंगे, तो उससे परचेस कर लीजिए, ठीक है। बस परचेस करके पैक बना लीजिए, पैक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। एक कागज़ का टुकड़ा मैंने अंदर में रखिए, ताकि ब्रांड एक छोटा सा मैंने एक नाम, आपका कंपनी का नाम होगा, बस वही होगा। और मार्केट में जो प्लास्टिक मिलता है, मैंने प्लास्टिक का पेपर जो है, कवर जो जा रहा है, देखिए प्लास्टिक का कवर में बस उसको लगा के मैनुअली पैक करके मार्केट में आप बेचिए। बाद में जाके जब बिजनेस जम जाएगा
तो ऐसा एक मशीन परचेस कर लीजिएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट 4-5 लाख रुपया लग जाएगा। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि शुरू में ये सब इन्वेस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। डिशवाश मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं, और अगर ये कर रहा है तो डिशवाश में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।